चलो बच्चों कैसे हो। अब मैं लेकर आया आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक माइनर एंड कोफैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्लास 12 चैप्टर 4 मैथ, माइनर एंड कोफैक्टर होता क्या है। यह नेक्स्ट टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर का। तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको माइनर कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। माइनर के लिए क्या डिनोट किया जाता है और कोफैक्टर के लिए क्या डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों माइनर के लिए हमें करना है माइनर। तो माइनर को हम कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। अब जो भी एलिमेंट लेना है एक्सपेंड करना है, जैसे कि हमारे पास है कोई वैल्यू ले लिया डिटरमिनेंट, जैसे 1 2 3 4 जैसे ये ले लिया मैंने, ठीक है। या फिर ये वैल्यू ना लेकर के जैसे मैंने ये ले लिया, जैसे यहाँ पे a11 a12 a21 और a22, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना, बट बोलने के हमारे पास है माइनर, फाइंड आउट कीजिए, फाइंड द माइनर। तो माइनर के लिए हमारे पास क्या करना है, कैपिटल एम आई जे, ये चीजें यूज किया जाता है माइनर के लिए। अब आई और जे हमारे पास क्या होता है, वो एलिमेंट के लिए होता है। जैसे फर्स्ट रो का एलिमेंट है a11 है, तो आई जे की वैल्यू यहाँ रख देंगे। जैसे a12 है तो 1 2 रख देंगे, 2 1 है तो 2 1 रख देंगे, 2 2 है तो 2 2 रख देंगे। इस तरीके से हमारे पे आई जे इसके एलिमेंट को डिनोट करता है। तब देखो ध्यान से बच्चों माइनर निकाल दे, जैसे ये दे रखा हमारे पास है, जैसे ये डिटरमिनेंट दे रखा है a11 a12 a21 a22, हमें निकालना माइनर। माइनर माइनर निकालना, तो माइनर के लिए बच्चों क्या यूज किया जाता है, कैपिटल एम। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट को एक्सपेंड करना है, यानी कि तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, 1 1 होता है। अब क्या करना है, इसको छोड़ देना और इसको छोड़ देना है, क्या बचेगा बच्चों a22, ठीक है। अब हमारे पास इस एलिमेंट को एक्सपेंड करना है तो m12। अब ये वाले एलिमेंट है तो ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, तो क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा यानी कि 2a21। अब हमें इस वाले एलिमेंट को एक्सपेंड करना है तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा यानी कि m21 यानी कि a12। अब हमें क्या करना बच्चों, m22 यानी कि ये वाला एक्सपेंड करना, तो ये वाला छोड़ दिया और ये वाला छोड़ दिया, क्या बचेगा बच्चों, ये वाला। यहाँ आ गया हमारे पास क्या, a11, ये निकल गया आपके पास क्या, माइनर। ये तो हो गया आपके लिए जब डिटरमिनेंट 2 × 2 ऑर्डर के फॉर्म में मैट्रिक्स दिया हो या डिटरमिनेंट के फॉर्म में, तो ये हमारे पास इस तरीके से निकालना है। बट अब आता है अगर यही चीजें हमारे पास 3 3 ऑर्डर का दिया हो, यानी कि 3 × 3 ऑर्डर का दिया हो, 3 × 3 ऑर्डर के दिया हो, तो उसके लिए हम कैसे निकालते हैं माइनर, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से बच्चों यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे m1ij, जैसे ये लेंगे बच्चों यहाँ पे मैंने ये 3 3 के लिए, जैसे a11 a12 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये लेंगे बच्चों। अब इसको हमें एक्सपेंड करना, निकालना क्या इसका माइनर, तो कैसे निकालोगे बच्चों, माइनर, ठीक है। अब देखो माइनर के लिए बच्चों क्या करना है, m11 कहने का मतलब है फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को एक्सपेंड करना है, सेकेंड रो के भी सारे एलिमेंट को एक्सपेंड करना है और थर्ड रो के भी सारे एलिमेंट को एक्सपेंड करना है। अब यहां देखो बच्चे ध्यान से, इससे पहले मैं बताता हूं आपको, जैसे कोई ये डिटरमिनेंट वैल्यू दिया होता था हमारे पास क्या, जैसे ये ले लिया 1 1 ये लिखा हुआ, ठीक है। अब जैसे इसको हमने 4.1 में एक्सपेंड किया था, जैसे उसको हम एक्सपेंड कर देते यहां पर बच्चों, एक्सपेंड एक्सपेंड कर देते, तो हम क्या लेते हैं, जैसे फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर देते हैं, जैसे ये 1 1 ये जो एलिमेंट होता था उसको बाहर लेते थे, फिर ये लाइन और ये छोड़ देते थे, ये पूरा छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते, यानी क्या बचता था हमारे पास है, ये बचता था a22 और a23 a32 और a33, ये बच गया, ठीक है बच्चों। फिर यहां माइनस लेते थे, फिर सेकंड एलिमेंट को यहां लेते थे a12, ठीक है। फिर आप ये वाली पूरी लाइन और ये वाली क्रॉस करके छोड़ दे, बचा क्या हमारे पास बच्चों, a21 a31
यहाँ गया बच्चों ए टू थ्री, यहाँ आ गया ए थ्री थ्री, फिर यहाँ था बच्चों प्लस, अब थर्ड एलिमेंट को एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ उतर गया वन थ्री, फिर बच्चों अब ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, ये बच्चे हमारे पास ए टू वन ए थ्री वन ए टू टू ए थ्री टू, ये चीज है। उसके बाद क्या करते थे बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते, फिर बीच में माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते, उसके बाद जो सिंपलीफाई करके एक्सपेंड कर देते, बट हमारे पास इसमें करना क्या है, यही चीज है माइनर में जो ये एलिमेंट दे रखा है ना शुरू में, ये जो एलिमेंट दे रखा है ये माइनर में एलिमिनेट हो जाते हैं, इनको हम लेते ही नहीं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। बस अंतर इतना ही है हमारे पास, क्या है कि जो एक्सपेंड कर देता जो है एलिमेंट होता था शुरू में हमारे पास ये ठीक है, वहां तो लेते हैं ठीक है, बट हमारे पास माइनर में क्या करते हैं, इसी एलिमेंट को जो हमारे बाहर जो होता है उसको एलिमिनेट कर देते, बाकी सेम रूल रहता है हमारे पास ये, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां से अब क्या करूंगा, एम वन वन तो वन वन की वैल्यू हमारे पास ये छोड़ दिया, ये जो फर्स्ट तो एक्सपेंड करा जैसे क्या आता बच्चों हमारे पास है, ये आता है यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास क्या ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू ए थ्री टू थ्री थ्री, ये आ गया ठीक है बच्चों। अब यहाँ सेम एम वन टू के लिए निकालते हैं, तो वन टू में बच्चों देखो ये मैंने निकाल रखा वन टू के लिए, तो क्या है यहाँ पे ए टू वन ए टू थ्री, उसके बाद बच्चों यहाँ पे ए थ्री वन ए थ्री थ्री, उसके बाद बच्चों एम वन थ्री के लिए भी निकाल रखा है, ये निकला हुआ है, क्या आ गया ए टू वन ए टू टू ए थ्री वन ए थ्री टू, ये आ गया। ये तो फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर दिया, अब सेकंड रो को एक्सपेंड करोगे सेम बच्चे देखो ए टू वन, तो ये जो एलिमेंट है ये तो हमें लेना नहीं है, अब यहाँ क्या आ गया एम टू वन, ये जो एलिमेंट टू वन ये हम यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, इसको हम लेते हैं माइनर में ठीक है। अब ये ले लिया तो क्या करोगे जी, पूरी लाइन और ये छोड़ दी, जहां जो एलिमेंट लोग उसी से क्रॉस कर दे रहा है, ऐसे क्रॉस कर दिया और ये क्रॉस कर दिया ठीक है बच्चों। बच्चा ये क्या हमारे पास, जब ये और ये क्रॉस कर दिया क्या बचा बच्चों, ये बच्चा ये बच्चा ये और ये बच्चा, तो यहाँ क्या लेना बच्चों हमारे पास क्या ए वन टू ए वन थ्री और ए थ्री टू और ए थ्री थ्री, ये बचा। फिर बच्चों यहाँ पे एम टू टू के लिए निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों, ये टू टू देखो ये एलिमेंट है, तो ये पूरा क्रॉस कर दिया और ये पूरा कर दिया, यानी कि ये वाली पूरी लाइन क्रॉस हो गई और ये पूरी लाइन क्रॉस हो गई, तो बचा क्या हमारे पास एलिमेंट, ये बच गया ये बच गया ये बच गया और ये बच गया, तो यहां आ गया बच्चों ए वन वन ए थ्री वन, यहां बच गया ए वन थ्री ए टू थ्री, आई बात समझ बच्चों। इस प्रकार से आई बच्चों एम टू थ्री थर्ड रो के लिए बच्चों, देखो ये एलिमेंट है तो यहां से ये पूरा और यहां से ये पूरा छोड़ दिया ठीक है। अब क्या बच्चों ये और ये एलिमेंट ये और ये एलिमेंट, यहां लिख लो ए वन वन ए वन टू ए थ्री वन ए थ्री टू, आई बात समझ बच्चों। अब आ जाओ थर्ड रो के लिए, यहां उतर गया बच्चों एम थ्री वन, अब यहां क्या आएगा देखो थ्री वन में ये है तो ये पूरी लाइन छोड़ दिया और यहां से ये छोड़ दिया, तो बचेंगे ये चार एलिमेंट ऊपर के, यानी कि ए वन टू वन थ्री टू 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 थ्री, ठीक है बच्चों। अब आता है थ्री टू, अगर थ्री टू ये एलिमेंट है तो यहां से ये पूरा छोड़ दिया और यहां से ये पूरा छोड़ दिया, ये बचा और ये बचा, क्या है बच्चों ए वन वन टू वन, यहां बच गया बच्चों ए वन थ्री ए टू थ्री, कोई डाउट बच्चों, यहां गया एम थ्री थ्री। अब यहां क्या करना है बच्चों, थ्री थ्री एलिमेंट ये रहा, अब क्या करो यहां से ये पूरा छोड़ दिया और यहां से ये पूरा छोड़ दिया, तो बचेगा हमारे पास बच्चों ये वाला, यहां क्या आ गया बच्चों ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, ये निकल गया बच्चों आपको माइनर, इस तरीके से निकल गया था, बट करना कि एक्सपेंड में इनके आगे एलिमेंट लेते हैं
और इसमें क्या करते हैं हमारे पास वही एलिमेंट को एलिमिनेट कर देते हैं, वहां से वो माइनर निकल जाती है, कंडीशन ऑफ माइनर निकाल लेगा। क्लियर बच्चों? बिल्कुल डाउट कोई नहीं है बच्चों? ठीक है ओके। ठीक बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आ गया। अब हमें देखो बच्चों ये निकाला हमने माइनर, ठीक है अब आता है आपके पास हमें निकालना कोफैक्टर। करना कुछ नहीं, जो माइनर निकाला है बस इसी में हल्का सा चेंज करना, ज्यादा नहीं चेंज करना है। जैसे मैंने माइनर निकालना है, चलो कोफैक्टर निकालना है, तो ये जो माइनर लिखा है इसको मिटा दो, यहां लिखो कोफैक्टर। कोफैक्टर, अब कोफैक्टर के लिए हम डिनोट करते हैं ए आई जे, यानी कि इस तरीके से डिनोट किया जाता है ए आई जे के लिए। अब देखो ध्यान से, जो ये कोफैक्टर हमारे पास है, जो ये माइनर निकला है, ठीक है, जो भी ये माइनर की वैल्यू निकली है हमारे पास, क्या करना कुछ नहीं है, जहां माइनर है वहां माइनर को हटा करके, जैसे कि एम को हटा करके ए वन वन, अब यहां आता है फॉर्मूला में माइनस वन की पावर, जो हमारे पास एलिमेंट दे रखा वन वन दे रखा, तो यहां पर आ जाएगा वन प्लस वन। ठीक है बच्चों, जैसे ही आ गया हमारे पास एम था, यहां ले लिया ए, अब यहां माइनस वन की पावर वन प्लस टू, यानी कि जो एलिमेंट यहां दिया था उसी को लिखा जाता है। जैसे आ गया बच्चों एम को हटा करके वन थ्री, यानी कि फिर अब माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री, फिर यहां आ गया बच्चों ए माइनस वन की पावर टू प्लस वन, फिर यहां आ गया बच्चों ए माइनस वन की पावर टू प्लस टू, फिर यहां आ गया बच्चों ए माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री, यहां आ गया बच्चों ए माइनस वन की पावर थ्री प्लस वन, फिर यहां आ गया बच्चों ए माइनस वन की पावर थ्री प्लस टू, फिर यहां आ गया बच्चों ए माइनस वन की पावर थ्री प्लस, ये आ गया। ठीक है, जो एक्सपेंड करते थे वही चीज सेम, यही जैसे माइनर निकाला सेम वही कंडीशन है, बट यहां क्या आ जाएगा माइनस वन की पावर वन पर, सब में माइनस वन की पावर ये वाले एलिमेंट आते रहेंगे। ठीक है, और माइनस वन की पावर इसके लिए ताकि जब मैंने यहां एक्सपेंड किया था तो एलिमेंट लेते था प्लस माइनस प्लस, अब ये चीज यहां भी चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो पहले देखो प्लस माइनस प्लस, फिर यहां करोगे माइनस प्लस माइनस, फिर यहां करोगे प्लस माइनस प्लस, यानी कंडीशन क्या करता है प्लस माइनस प्लस, जब यहां आ जाओगे तो क्या बनेंगे माइनस प्लस माइनस आते रहेंगे, फिर यहां पे आ जाओगे तो प्लस माइनस प्लस, ये इस तरीके से कंडीशन चलते रहता है ये सारी चीजें। ठीक है, ताकि इनके अब क्या करना, क्या होता है इसको एक्सपेंड करना होता है, जैसे कि ए वन वन की वैल्यू मैंने एक्सपेंड कर देते, यहां जैसे ए वन वन निकालूंगा, देखो माइनस वन की पावर क्या हमारे पास है, माइनस वन की पावर है वन प्लस वन है, तो माइनस वन की पावर क्या हो जाएगा टू, यहाँ के बच्चों माइनस वन की पावर टू तो पॉजिटिव वन आ गया, यानी कि ठीक है, तो यहां लेना बच्चों प्लस, यहां साइन क्या जाएगा प्लस क्या जाएगा, उसके बाद क्या करना है इसकी एक्सपेंड कर दो, जैसे कि ए टू टू और ए थ्री थ्री, फिर यहां माइनस के इसकी मल्टीप्लिकेशन में, या फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन में करोगे ए थ्री टू और ए टू थ्री, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आएगा एलिमेंट प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा हमारे पास है। ठीक है, सेम ऐसे हमारे पास इसके लिए मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ आ गया हमारे पास क्या है, जैसे कि ए वन टू करोगे तो माइनस वन की पावर क्या है बच्चों, माइनस वन की पावर वन प्लस टू, तो यहाँ आ गया माइनस वन की पावर थ्री। अब देखो यहाँ पे ओड नंबर आ गया, जब ओड नंबर आ गया तो साइन क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, इवन में प्लस आता और ओड में माइनस आ जाएगा, तो यहाँ आ गया माइनस। अब यहाँ आ जाएगा माइनस लिख कर, तो बच्चों फिर इसको इसमें एक्सपेंड कर देना, लिखिए ए टू वन, ठीक है बच्चों इसके मल्टीप्लेस में ए, यहाँ पे ना इसके मल्टीप्लेस में ए टू वन और ए थ्री थ्री, फिर यहाँ बच्चों माइनस आ जाएगा ए थ्री वन और ए टू 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 थ्री, यानी कि ठीक है। अब देखो बच्चों, अब इसको सोल्व करने को जो भी एलिमेंट आएगा, ठीक है जो भी एलिमेंट आएगा क्या करना है, आते वहां इसके आगे बाहर माइनस का है, अगर मान लो इसमें आ गया प्लस का फोर आ गया, मान लेता हूं वैसे, ठीक है तो ये माइनस का फोर आ गया, अगर इसे को सोल्व करोगे जैसे मान लेते माइनस का सेवन आ गया, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस का सेवन आ जाएगा, इस तरीके से सारे के सारे ये चेंज होते रहेंगे। क्लियर बच्चों? कोई डाउट? उम्मीद करता हूं कि आ गया होगा समझ में।
कोफैक्टर इस तरीके से निकाला जाता है सारी चीजें बच्चों, सब में ऐसे एक्सपेंड करना जैसे बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, क्लियर? जितने भी एलिमेंट है सबको आप एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है? क्लियर बच्चों? अब आ गया बच्चों कोफैक्टर ऑफ ऑर्डर 2 into 2। अगर हमारे पास 2 into 2 ऑर्डर का दिया हो कोई डिटरमिनेंट, ठीक है, कोई वैल्यू दिया हो, तो उसको हमें क्या है कोफैक्टर निकालना। तो कैसे निकालोगे? सेम वे करने का वही रूल है, देखो बच्चों कोफैक्टर ऑफ ए, यहाँ आ गया बच्चों ए 1 1 फॉर्मूला में क्या है -1 की पावर 1 + 1 जो ये तो यही। अब देखो ध्यान से बच्चों 1 1 एलिमेंट एक्सपेंड किया तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, क्या बचा हमारे पास बच्चों A 2 2, ये आ गया हमारे पास है। जब इसको एक्सपेंड करोगे देखो -1 की पावर 1 + 1 यानी कि इवन नंबर है 2 आ गया, इसलिए प्लस का आ जाएगा A 2 2। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ गया A 2 2 आ गया। जैसे दूसरा आ गया बच्चों A 1 2, तो -1 की पावर 1 + 2, देखो 1 2 एलिमेंट है, ये छोड़ दे, क्या बचेगा बच्चों यहां पे A 2 2। अब देखो -1 की पावर यहां क्या आ जाएगा 3 A 2 2, अब -1 की पावर 3 ओड आ गया, क्या आ गया साइन चेंज, यानी कि A 2 2। अभी सोल्व करोगे तो मल्टीप्लाई कर दो माइनस के A 2 2। इस प्रकार से बच्चों A 2 1 निकालोगे तो -1 की पावर 2 + 1 क्या मिलेगा बच्चों, ये छोड़ दिया क्या मिल गया A 1 2 मिल गया। फिर यहाँ पे देखो 2 + 1 3 यानी कि माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या आ गया A 1 2, यहाँ के बच्चों माइनस के A 1 2। सेम A 2 2 एक्सपेंड करोगे तो -1 की पावर 2 + 2 यहाँ आ गया बच्चों A 1 1। अब देखो -1 की पावर 2 + 2 यानी कि इवन नंबर हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा ये A 1 1, तो आंसर आ गया आपके बच्चों A 1 1। इस तरीके से जब 2 2 ऑर्डर के दिया हो तो हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, क्लियर बच्चों? ठीक है बच्चों, माइनर और कोफैक्टर के बारे में बताएं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक्स।